एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम धर्मिष्ठा एंड टुडे आई एम अप विथ अ न्यू वीडियो। सो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे टोनर के बारे में जो मैंने होम रेमेडी से बनाए हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक महीने से मैं यूज़ करी और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। टोनर अप्लाई करने से हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा मिलता है जो हर किसी को नहीं मालूम है कि हमारी स्किन को टोनर की ज़रूरत है। हमारी स्किन में पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है और हम बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमारी फेस पे जो धूल मिट्टी डस्ट ज़्यादा भी उड़ता है उसको प्रोटेक्शन मिलती है और ओपन पोर्स जो है वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। सो टोनर हमें रेगुलरली अप्लाई करना चाहिए। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि उसमें कोई भी ऐसी इरिटेटिंग वाली स्मेल नहीं आ रही है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हमें नीम के पत्ते लेके उसमें डालना है 1 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर और उसके बाद हमें इसे उबालना है और उबालने के बाद हमें इसे ठंडा करने के लिए भी रख देना है और कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा ये वाटर। और इसमें डालना है 2 चम्मच नींबू का जूस, यानी कि हमें आधा नींबू स्क्वीज़ करना है। सो या आप देख सकते हो कि हमारा टोनर रेडी है एंड ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी स्किन के लिए। अगर आपको कोई भी एक्ने प्रॉब्लम रहेगा या डार्क स्पॉट रहेगा तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है गाइस। सेकेंड टोनर बनाने के लिए हमें लेना है 2 चम्मच राइस फ्लावर और उसमें डालना है 1 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर और उसे पूरी रात तक इसे भीगने देना है। राइस जो है वो आपके फेस को रेडिएंट एंड ग्लोई बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो हमारा ये जो पानी है वो इस तरह से कुछ मैंने निकाल दिया है, जो भी राइस फ्लावर का जो भी गंदा डर्ट है वो नीचे रह जाएगा और पानी मैंने अलग से निकाला है। सो अब हम इस पानी में भी डालेंगे 2 चम्मच नींबू का जूस, यानी कि हमें आधा नींबू स्क्वीज़ कर लेना है। एंड या हमारा ये टोनर भी रेडी है और आप देख सकते हो मैंने इसे बॉटल में निकाल दिया है। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट टोनर बनाने के लिए और उसमें हमें चाहिए ग्रीन टी, नॉर्मल ग्रीन टी हो या कोई भी ग्रीन टी हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और उसमें हमें डालना है उबला हुआ पानी और उसके बाद हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। सो ये ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एंड मैंने इसे भी एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। सो आप देख सकते हो कि तीन टोनर हमारे बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये टोनर पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और आपने बनाया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उससे भी इसका फ़ायदा मिले। और या लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।